देखिए, हमने मांग की थी नई कोर्ट स्थापित होनी चाहिए, नई बेंच आनी चाहिए ताकि रोजाना सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी राम मंदिर का फैसला आए। हम सुन रहे हैं कितने वर्षों से ये राम मंदिर का मैटर कोर्ट में चल रहा है, तारीख पे तारीख, अब तारीख पे तारीख का इंतजार नहीं होगा, अब फैसले का इंतजार है। हिंदुओं को जल्दी से जल्दी फैसला आए और राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने। हिंदुओं के राम भक्तों के धैर्य की परीक्षा ना ली जाए, कोर्ट का हम सम्मान करते, इज्जत करते हैं, जल्दी से जल्दी फैसला आए। अगर फैसला पक्ष में नहीं आता, अगर फैसला पक्ष में नहीं आए, मैंने कहा हम कोर्ट का सम्मान करते, कोर्ट की इज्जत करते, सबसे ज्यादा हम सम्मान करते, और अगर नहीं आया तो भी अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बनेगा। जैसे ढांचा टूटा वैसे राम मंदिर बनेगा। शाबानो केशवता पूरा देश जानता है, कांग्रेस की सरकार थी उस समय केंद्र के अंदर, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजीव गांधी ने ये कह करके कोर्ट का अवहेलना की थी कोर्ट की, कि ये धर्म का मामला है, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ ही खिलवाड़ की जाती है, हिंदुओं के धर्म के साथ ही खिलवाड़ की जाती है, इसीलिए राम मंदिर तो बनेगा, चाहे फैसला पक्ष में आए या विपक्ष में आए।